Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of PIB 24/7. I am Manish Mishra and guys, in today's session as usually I will bring to you 5 important questions from the PIB news. So guys, do watch the complete session and spread the knowledge. But before we begin, do subscribe to our channel and press the bell icon, and you can also join the Telegram group for the daily quizzes. And guys, these are the topics that we are going to discuss today. So first of all, we are going to discuss the very important e-Gopala app that was launched recently by Prime Minister in Bihar. Then we will move on to the 5-star villages scheme. Then we will move on to the discussion of launching of Sarod ports. Then we will discuss again Kisan Rail. And finally, we are going to discuss about the Shikshak Parv. So guys, these two topics, 4 and 5, do not require the explanation in detail. So, जो question number topic number 4 और 5 है, उसके बारे में हम ज़्यादा detail में नहीं पढ़ेंगे. Just we'll discuss one questions based on these two topics. Okay, and these three topics we are going to discuss in detail in today's session. Okay, so let's begin with question number 1, which is about the e-Gopala app. So recently, guys, Prime Minister has e-launched one scheme, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and e-Gopala app from Bihar. ये पीएम मत्स्य संपदा योजना गाइस आई हैव कवर्ड इन डिटेल, सो आप गवर्नमेंट स्कीम वाली जो वीडियोस है उसमें जाके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की वीडियो देख सकते हैं. यू कैन वॉच द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वीडियो इन द गवर्नमेंट स्कीम सीरीज ऑफ द anujindal.in. ओके, एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ऐप ई गोपाला ऐप. ओके, एंड दिस ऐप गाइस हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड एक्सेस टू द न्यू मार्केट्स टू द फिश प्रोड्यूसर्स along with increased opportunities to the farmers. So basically, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है और जो ई गोपाला ऐप है, इसका काम क्या है? नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, मॉडर्न इक्विपमेंट, और जो फिश प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिश मार्केट करते हैं, उनको नए मार्केट्स का एक्सेस दिलाना. ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव इन डिटेल, सो इट विल हेल्प द फार्मर्स टू चूज बेटर क्वालिटी लाइफ स्टॉक एंड गेट फ्रीडम फ्रॉम द मिडलमैन. सो बेसिकली अब होता क्या है कि एक मिडलमैन होता है, उसके थ्रू जो फार्मर है उसको लाइफ स्टॉक लेना पड़ता है, बट नाउ थ्रू दिस ई गोपाला ऐप द फार्मर्स कैन चूज द बेटर क्वालिटी लाइफ स्टॉक विदाउट द इंक्लूड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द मिडलमैन. ओके, टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैटल केयर फ्रॉम प्रोडक्टिविटी टू इट्स हेल्थ एंड डाइट, एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू फार्मर्स इन द कंट्री फॉर मैनेजिंग लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिजीज फ्री जर्म प्लास्ट इन ऑल फॉर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो एनिमल्स के जर्म प्लास्ट है उसके हर तरीके के हर फॉर्म्स में जर्म प्लास्ट को बेचा जा सकेगा, खरीदा जा सकेगा, इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन फ्यूचर आधार नंबर ऑफ एनिमल्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड, एंड ऑन इंसर्टिंग दिस एनिमल आधार नंबर इन द ई गोपाला ऐप, फार्मर्स विल बी एबल टू अवेल ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट एनिमल वेरी इजिली. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ऐप. ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है काफी ज्यादा है, और इसके बारे में अभी इसमें कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई है. ये बोला गया है कि दैट द गवर्नमेंट विल असाइन आधार नंबर टू एनिमल्स, एंड ऑन इंसर्टिंग दैट एनिमल आधार नंबर इन द ई गोपाला ऐप, फार्मर्स विल बी एबल टू अवेल ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट एनिमल. एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द ऐप गाइस? सो फिशरी सेक्टर जो हमारा, इट लैक्स इन द साइंटिफिक मेथड्स एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर. देयर इज वेरी लेस एक्सेस टू द मार्केट्स ऑफ फिश प्रोड्यूसर्स. फॉर इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स इन द फिशरी सेक्टर, दिस ऐप इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड फार्मर्स जनरली लैक इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी लाइफ स्टॉक, जिसको जिसका फायदा मिडलमैन उठा के जो लाइफ स्टॉक है या तो उसको खराब क्वालिटी का देते हैं, या फिर जो लाइफ स्टॉक है उसको बहुत महंगे दामों में प्रोवाइड कराया जाता है टू द फार्मर्स. सो जो फार्मर्स हैं उनकी अवेयरनेस भी इस ऐप से काफी ज्यादा बढ़ने वाली है. ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन इज, विच ऐप वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर टू हेल्प फार्मर्स इन द फिशरी सेक्टर टू चूज बेटर क्वालिटी लाइफ स्टॉक एंड गेट फ्रीडम फ्रॉम मिडलमैन? सो द नेम ऑफ द ऐप गाइज इज ई गोपाला. ऑप्शन बी ई गोपाला इज द करेक्ट आंसर. Now let's move on to question number 2 and question number 3, which is about the 5-star villages scheme. Guys, this is very very important. इससे आप एग्जाम में क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आरबीआई ग्रेड भी ऐसा ही हो, नबार्ड का हो, फेज 1 में भी इनफैक्ट इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस 5-star villages स्कीम गाइज हैज बीन लॉन्च बाई इंडिया पोस्ट विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑन अ पायलट बेसिस इन महाराष्ट्र. पूरे महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है ऑन अ पायलट बेसिस, रिमेंबर दिस. बट धीरे धीरे आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस स्कीम इसको पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है. ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पायलट लॉन्च, इट विल बी लॉन्च इन द इट विल बी लॉन्च अक्रॉस द कंट्री. ओके, एंड इट विल इंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री. बेसिकली जो पोस्टल स्कीम्स होती है, जैसे कि पीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट,
सेविंग्स अकाउंट भी होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। सो इस तरीके की जितने भी पोस्टल स्कीम्स है इनका यूनिवर्सल कवरेज इंश्योर करना इस फाइव स्टार विलेज स्कीम का एम है। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स इन द डिटेल, सो इट विल ब्रिज द गैप इन पब्लिक अवेयरनेस एंड रीच ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्पेशली इन द रिमोट एरियाज, and to market, publicize and make available all the postal products and services at the village level. So, इसका काम क्या होगा, जो public awareness है और जो postal products की reach है उसके बीच का जो gap है उसको bridge करना, and जितने भी postal products है उनकी marketing, उनकी publicizing और उनको available कराना at the remotest areas of our country. Okay, and implementation की बात करें तो इसमें implementation is very important. So, इसमें जो ब्रांच ऑफिसेज होंगे, द ब्रांच ऑफिसेज विल फंक्शन एज वन स्टॉप शॉप टू केटर ऑल द पोस्ट ऑफिस रिलेटेड नीड्स ऑफ द विलेजेस। सो जो ब्रांच ऑफिस होगा वो गांव की जितने भी पोस्ट ऑफिस रिलेटेड नीड्स है उसको केटर करेगा। ओके, एंड दीज आर द फाइव स्कीम्स, ये पांच स्कीम्स है जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। सो यहाँ पे वैसे तो काफी सारी स्कीम्स है बट कुछ स्कीम्स को एक कैटेगरी में रखा गया है, लाइक सुकन्या समृद्धि योजना एंड पीपीएफ अकाउंट्स, दीज आर वन स्कीम। ओके, सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एनएसपी, एनएससी, केवीपी सर्टिफिकेट, स्कीम नंबर टू, एंड स्कीम नंबर थ्री फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, लिंक्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड प्रधानमंत्री एसबीवाई अकाउंट एंड प्रधानमंत्री जेजेबीवाई अकाउंट। सो दीज आर द फाइव स्कीम्स जिनकी बात की जा रही है अंडर द फाइव स्टार विलेज स्कीम। अब इसमें होगा ये दैट इफ अ विलेज अटेन्स यूनिवर्सल कवरेज फॉर फाइव स्कीम्स and then that village gets the 5 star status, if a village completes 4 then it will get 4 star status and so on. Okay, so agar koi village jo hai apne village mein unke village mein agar 5 scheme ki universal coverage ho jati hai then that village will get the 5 star status, agar 4 scheme ki hoti hai then that village will get the 4 star status. Is tarike se 3 to 1 star diye jayenge sabhi villages ko. Okay, and the scheme guys will be implemented by a team of 5 gramin dak sevaks which will be headed by the branch postmaster. Yo, एक टीम बनाई जाएगी 5 ग्रामीण डाक सेवक की जिनका जिनका हेड कौन होगा, ब्रांच पोस्टमास्टर, वो इसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। एंड दिस टीम विल कंडक्ट द डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन ऑल द स्कीम ताकि लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके ऑन अवेलिंग द स्कीम। ओके, और जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा टू दीज ग्रामीण डाक सेवक विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड राइट डाउन इन कमेंट्स द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का नाम लिखिए इन द कमेंट्स। And Department of Post guys, it was established in the year 1854 under the India Post Office Act of 1854. It is headquartered in New Delhi and its headquarter is known as Dak Bhavan. Okay, now let's move on to question number 2 and 3. So which department has launched a 5 star villages scheme? So it has been launched by Department of Post which is under the Ministry of Communication. Which of the following schemes is not included in the 5 star village scheme? सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज देयर, पीपीएफ अकाउंट इज देयर, पीएमएसबीवाई, जेजेबीवाई, अटल पेंशन योजना गाइस इज नॉट देयर, ऑप्शन ई अटल पेंशन योजना इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच टॉक्स अबाउट द सरोड पोर्ट्स। ओके, सो द क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग इंडिपेंडेंट चार्ज श्री मनसुख मंडाविया हैज लॉन्च्ड सरोड पोर्ट्स, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। सो कैन यू टेल मी द लोकसभा और लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ऑफ मिस्टर मनसुख मंडाविया, और इज ही अ लोकसभा मेंबर और अ राज्यसभा मेंबर। सो राइट डाउन इन द कमेंट्स कि क्या वो लोकसभा के मेंबर है या राज्यसभा के मेंबर है, और अगर लोकसभा के हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखिए इन द कमेंट्स। ओके, सो गाइस रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग इंडिपेंडेंट चार्ज श्री मनसुख मंडाविया लॉन्च दीज पोर्ट्स जिसका नाम है सरोद पोर्ट्स, एंड सरोद स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। ओके, सो सरोद स्टैंड फॉर दिस। So, इसके जो फुल फॉर्म है उसी से क्लियर है कि दैट यहाँ पे डिस्प्यूट्स रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बात की जा रही है। सो इट विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन फेयर एंड जस्ट मैनर वाइल सेविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लीगल एक्सपेंडिचर एंड टाइम। ओके, और इसके ऑब्जेक्टिव्स एक तो क्लियरली हमें समझ में आ चुका है दैट इट विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन फेयर मैनर इन एन अफोर्डेबल मैनर एंड देयर विल बी टाइमली रेजोल्यूशन ऑल्सो एंड एनरिचमेंट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विद द पैनल ऑफ technical experts as arbitrators. So these are the objectives of these courts and these are some key points. So it is established under the Societies Registration Act of 1860 and it will become the mechanism of Umeed, Vishwas and Nyay. And Umeed means hope, Vishwas means trust and Nyay means justice. Okay, so these three words you should remember kyunki kabhi kabhi is tarike ka question aa jata hai. Okay, it will inspire confidence in the private players and it will ensure right kind of environment for our partners taki unke andar
जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि देयर इज सम मैकेनिज्म फॉर द ग्रीवेंस रिड्रेसल, एंड जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो अपना इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड होंगे. ओके, अदरवाइज होता क्या है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो इसी बात से दूर रहते हैं कि उनका जो अगर इन्वेस्टमेंट फंस जाता है तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई नहीं होगा. सो दिस विल प्रोवाइड द प्राइवेट प्लेयर्स अ कॉन्फिडेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर. ओके, एंड इट कंसिस्ट मेंबर्स फ्रॉम इंडियन पोस्ट पोर्ट्स एसोसिएशन एंड इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन. It is similar to provisions available in highway sector in the form of Sarod roads that was constituted by NHAI. Okay, so this is about the Sarod port, guys. And what is the purpose of this? So it will resolve the disputes. Okay, so option A, to resolve the disputes, will be the correct answer. And guys, now let's move on to question number 5 and question number 6. So question number 5 and 6 में जो भी news है that do not require the explanation in detail. बस आपको ये पता होना चाहिए that ऐसा ऐसा हुआ है. And in fact, these are the questions for the first phase one exam. So recently, second Kisan Rail was flagged off from Anantapur in Andhra Pradesh to which state or UT? So first Kisan Rail, I hope you all know that was flagged off from Devlali in Maharashtra to Danapur in Patna. Right? I hope you all remember this. Danapur in Patna. Okay? And this second Danapur in Patna. And this second Kisan Rail, guys, and it is first किसान रेल फ्रॉम द साउथ इंडिया. ओके, रिमेंबर ऑल दिस ऑल्सो, ये साउथ इंडिया के पहले किसान रेल है. सो अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश टू विच स्टेट? सो ये दिल्ली के लिए गई है. दिल्ली में वेयर? आदर्श नगर. ओके, आदर्श नगर स्टेशन तक ये जाएगी. सो द करेक्ट आंसर इज वॉट? ऑप्शन सी, दिल्ली. एंड क्वेश्चन नंबर 6, विच फेस्टिवल और पर्व इज बींग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 8 सितंबर टू 25 सितंबर 2020 टू फेलिसिटेट द टीचर्स एंड टू टेक द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉरवर्ड्स. तो ये अभी बहुत रिसेंट की न्यूज है कि 25 सितंबर 2020 तक एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टीचर्स को फेलिसिटेट करने के लिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए. सो गाइज, द नेम ऑफ द फेस्टिवल, द नेम ऑफ द पर्व इज ऑप्शन ए, शिक्षक पर्व. ओके, ऑप्शन ए, शिक्षक पर्व इज द करेक्ट आंसर. एंड गाइज, दैट्स इट फॉर द सेशन. आई होप यू लाइक इट. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं कल के सेशन में. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.